गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. आई एम योर हिंदी टीचर पल्लवी. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेटा हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ. क्लास थर्ड की ये हिंदी व्याकरण की बुक है, लेसन 12, विलोम शब्द. ठीक है बेटा, आज मैं इसको आपको समझाऊंगी कि विलोम शब्द किसे कहते हैं. आई थिंक आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि ये आपको क्लास थर्ड से सेकेंड, अब आप थर्ड में आए हो तो क्लास फर्स्ट से आपको बताया जा रहा है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं. तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी बेटा आपकी बुक में ये चैप्टर है विलोम शब्द, तो मैं आपको समझा देती हूँ. विलोम शब्द जस्ट अपोजिट वर्ड को कहते हैं, है ना, उल्टे अर्थ को हम विलोम शब्द कहते हैं. छोटा, बड़ा, आधा, आधा, जैसे आधा है तो पूरा, कम है तो ज़्यादा, रात का दिन. तो चलिए बेटा, हम आपको समझाते जाते हैं विलोम शब्द, और इसकी परिभाषा भी आपको बता देंगे, और जो इसके क्वेश्चन है उसे भी हम राइट करवा देंगे. तो चलिए मार्जिन स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द. चलिए बेटा, अब हम आपको समझा देते हैं लेसन 12 विलोम. ये आपके क्लास थर्ड की हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की बुक है. ठीक है, आपका ये न्यू चैप्टर है लेसन 12 विलोम. तो विलोम में क्या है? विलोम तो ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि आप सभी को पता है, अपोजिट वर्ड है ना, आपको सबको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स. तो चलिए बेटा, अब हम इसको आपको समझाते जाते हैं कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए और हम कैसे समझेंगे कि ये विलोम शब्द है. जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, हंसना. हंसना को हम जस्ट अपोजिट क्या बोल सकते हैं बेटा, रोना. हंस रहा है तो रोएगा ही ना, तो ये अपोजिट वर्ड हुआ. ऊपर का नीचे, बड़ा का छोटा, कच्चा का पक्का. आई थिंक आप लोग को ये समझने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, और आप लोग इसे क्लास फर्स्ट से लेकर के पढ़ते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा. फिर भी बेटा मैं और अच्छे से समझा देती हूँ. देखिए लिखा है, बच्चों को शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं. एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले ये शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हंसना, रोना, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, कच्चा पक्का आदि. ठीक, कुछ विलोम शब्द नीचे दिए हुए हैं, जैसे देखिए भला का बुरा, भलाई का बुराई होता है ना, भला का बुरा, अच्छाई का बुराई, अपना पराया, उठना गिरना, हार जीत, निकट दूर, सत्य असत्य, प्रश्न उत्तर, आरंभ अंत, हिंसा अहिंसा. देखिए बेटा, ये आपको याद करने में जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं विलोम शब्द अपोजिट वर्ड को कहते हैं, जस्ट उल्टे वर्ड को. जैसे कि कोई बड़ा है तो कोई छोटा भी है, कोई मोटा है तो कोई पतला भी है, है ना, कोई खरा है तो कोई खोटा भी है, कोई सच है तो कोई झूठ, सुबह शाम, आना जाना, कम अधिक, इधर उधर, गुड़ अवगुड़, थोड़ा ज़्यादा, सवाल जवाब, ऊंचा नीचा, है ना. तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को मुझे ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से इसे याद कर लेंगे. थोड़ा सा समझने का देर है बेटा, आप अगर समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से राइट कर लेंगे, और आप अपनी कॉपी में कम से कम 10 विलोम शब्द ज़रूर से राइट करेंगे. ओके, और कोई प्रॉब्लम है मुझसे आप पूछ लीजिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.